हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक एरे गिवन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, और आपको उसमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए फाइंड करना है। और अगर किसी एलिमेंट के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में आप उसके लिए आउटपुट पे -1 देंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे? तो सपोज़ आपका आपकी कोई एरे है, उसमें एक कोई एलिमेंट एक्स है, उसके लिए अगर आपको उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा एक्स के लिए? तो एक्स की अगली पोजीशन से लेके एंडिंग तक में हम सर्च करेंगे ऐसा पहला एलिमेंट जो कि एक्स से बड़ा होगा, वो एक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये एरे सपोज़ हमारी है 2, 5, 3 और 25। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 2, उसके लिए जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की अगली पोजीशन है वहाँ से एंडिंग तक देखेंगे कि ऐसा पहला एलिमेंट कौन सा है जो कि 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगली पोजीशन पे ही 5 है जो कि 2 से बड़ा है, तो जो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो 5 हो जाएगा। अब 5 के लिए अगर हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखें तो 5 की अगली पोजीशन से एंडिंग तक देखेंगे तो 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो 3 नहीं होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 के लिए। अब 25 देखें तो 25 5 से बड़ा है, तो 25 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। वैसे ही 3 के लिए देखें तो 3 का अगला एलिमेंट 25 है, और तो 25 3 से बड़ा भी है, तो 3 के लिए 25 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। अब जो लास्ट एलिमेंट है 25, उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर अगर एलिमेंट हम देखेंगे तो 25 की अगली पोजिशन पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए जो 25 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम -1 प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि कोई भी एक एरे में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके लिए हमेशा जो आंसर होगा वो -1 होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा उसके लिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सपोज़ अगर हमारी एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और उसके आगे के सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे। तो अगर हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करें उस केस में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसके आगे हमें उससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उस केस में उसका आंसर -1 हो जाएगा। वैसे ही अगले एलिमेंट के लिए देखें तो उसके आगे भी सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, तो उसके लिए भी जो हमारा आंसर है वो -1 हो जाएगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए हमारा जो आंसर है वो, अगर जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए जो आंसर है हमारा वो -1 हो जाएगा। तो अगर कोई एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसके लिए सभी एलिमेंट्स के लिए आंसर -1 होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारी एरे का उसके लिए हमेशा आंसर -1 होगा। तो आज हमें जो ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने का प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा बेसिक तरीका है और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज हम दोनों सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले जो ईजी सॉल्यूशन है, जो बेसिक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, सपोज वही जो यहाँ पे एरे हमने देखी थी 2, 5, 3 और 25, और इसका साइज था 4। अब हमें इस एरे में जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसे फाइंड करना है। तो एक तरीका तो यही है, सिंपली हम हर एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मैं हर एलिमेंट को पहले ट्रैवर्स कर रहा हूँ i < n, तो जैसा कि हमने देखा कि जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है वो अगली पोजीशन से एंडिंग तक ऐसा एलिमेंट जो कि जिस एलिमेंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उससे बड़ा हो। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, हम एक हर एलिमेंट के लिए ये बाहर वाला लूप जो है वो हर एलिमेंट को इटरेट करने के लिए है, और जो तू अंदर वाला लूप है वो हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो करंट पोजीशन है जिसके लिए हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट पोजीशन से एंडिंग तक जाएंगे और चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो कि करंट एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको कि मैं इनिशियली -1 रखता हूँ,
और तो अगर मुझे जो जिस एलिमेंट के लिए मैं नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, अगर उससे बड़ा एलिमेंट कोई आगे मिलता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर जो ए जे है वो ए आई से बड़ा है तो जो हमारा नेक्स्ट है वो ए जे हो जाएगा और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट जो हमारी एरे में ए आई से बड़ा है वो मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे बाहर आने के बाद नेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे ए आई के लिए। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उन्हें फाइंड करके प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है जो प्रिंट कर रहा है। तो टू के लिए जैसे हमने देखा था 5 है, 5 के लिए 25 है, 3 के लिए भी 25 था और 25 के लिए -1 है। तो यहाँ पे सिंपली हमने जैसा देखा था कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है, उसी चीज़ की डेफिनेशन को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके अपना सॉल्यूशन निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्क्वायर है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए जो नेक्स्ट पोजिशन से लेकर एंडिंग पोजिशन तक सारे एलिमेंट हैं उनके कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्क्वायर जा रही है। अब हम एक दूसरी अप्रोच देखते हैं जो कि थोड़ी एफिशिएंट अप्रोच है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो दूसरी अप्रोच में क्या करेंगे, दूसरी अप्रोच में हम एक स्टैक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं स्टैक के लिए हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। और स्टैक का नाम सपोज मैं दे देता हूँ एन जी स्टैक और जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स है उनको स्टोर करने के लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ। सपोज इसका साइज मैं मैक्सिमम 100 दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ये दूसरी अप्रोच है इसको करने के लिए पहले मैंने एक स्टैक बनाई और उस स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा उसे पुश कर दूंगा। अब इसके बाद बाकी के एलिमेंट्स के लिए मैं लूप में एक काम करूंगा। तो क्या करना है मुझे, लूप चलाऊंगा मैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने पुश कर दिया, सेकंड एलिमेंट से मैं लूप कर रहा हूँ एंडिंग तक और जो ये एलिमेंट है करंट एलिमेंट उसको मैं नेक्स्ट इनिशियली रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जो टैग है उसमें एलिमेंट ना पुश करके उनका इंडेक्स पुश कर रहा हूँ, तो मैं उनको बाद में एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे पोजीशन भी मेरे पास पोजीशन का भी ट्रैक रहेगा कि कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने देखिए नेक्स्ट जो है अभी करंट जो एलिमेंट है उसको ले लिया है, उसके इंडेक्स को लिया है। तो यहाँ पे मैं लूप करूँगा इसके बाद जब तक मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता और जो मेरा नेक्स्ट है वो जो स्टैक में टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है उससे बड़ा है। तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब तक मैं लूप करूँगा। तो स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है उससे जब तक मेरा नेक्स्ट बड़ा है, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब तक मैं लूप करूँगा।
और लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा जो टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए वो होगा हमारा नेक्स्ट के इक्वल। और जब एक बार मैं इस एलिमेंट के लिए अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट को, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो एलिमेंट है स्टैक में से उसे पॉप कर दूंगा, क्योंकि अब इसके लिए हमने जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है वो फाइंड कर लिया है। और यही काम दोबारा ऐसे ही जब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा जो करंट एलिमेंट है जिसको मैंने अभी नेक्स्ट लिया है वो मेरा जो टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है उससे बड़ा है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वेरिएबल और नेक्स्ट एरे का नाम सेम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसका नाम, एरे का नाम चेंज कर देता हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर करा रहा हूँ उसको मैं सिंपली एन जी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एन जी हो जाएगा, तो ये वाला लूप मेरा फाइंड करेगा। और लूप से बाहर आने के बाद जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि या तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा या फिर जो मेरा नेक्स्ट है वो छोटा हो जाता है जो स्टैक में टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है, तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं लूप से बाहर आके क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा स्टैक है उसमें पुश कर दूँगा जो मेरा करंट एलिमेंट है जो कि है नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे मैंने जैसे देखिए मैंने यहाँ स्टैक में क्या मैं इंडेक्स पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अगर कंपेयर करना है तो मैं इस तरह कंपेयर करूँगा कि मुझे एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और मेरे पास स्टैक में और नेक्स्ट वेरिएबल में इंडेक्सेस स्टोर है, तो मैं उन्हें एरे के इंडेक्स में पास डालूंगा तब मैं उनके वैल्यूज़ को कंपेयर कर पाऊँगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है जो दूसरा अप्रोच जो कि थोड़ा एफिशिएंट सॉल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। चलिए अब इसे ट्राई करके देखते हैं। तो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं लूप करूँगा आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस लेआउट ए आई के लिए जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट होगा वो होगा हमारा जो हमने ये एरे बनाई है एन जी आई, तो ये हमारा इंडेक्स स्टोर कर रही होगी नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का। जैसे आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट हमने इंडेक्स वैल्यू रखी थी, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स को एरे में डालना होगा तभी हम वैल्यू देख एक्सेस कर पाएंगे उसकी। तो ये वाला लूप हमारा जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट हमने दूसरी अप्रोच से फाइंड करे हैं वो हमें प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसे रन करते हैं। और हाँ, इसमें एक और लास्ट में एक और चीज़ है, तो यहाँ पे ये जो लूप है इसमें हम साथ जो सारे नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट्स हैं उन्हें फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए जो हमारा स्टैक है वो स्टैक में से रिमूव नहीं होंगे, पॉप नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उनके उस केस में जो हमारे स्टैक है उसमें वो एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, वो स्टैक से पॉप नहीं होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, जब ये वाला हमने लूप चलाया, इस लूप में हमने जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जिनके लिए एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड कर लिए होंगे, उसके बाद जिन एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते वो हमारे स्टैक में ही पड़े होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एक लूप चलाएँगे जब तक हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, और सारे एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे, और पॉप करने से पहले जो उनके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उनको माइनस वन अपडेट कर देंगे। तो एन जी टैग डॉट टॉप इक्वल टू माइनस वन, और फिर इसको हम स्टैक में से पॉप कर देंगे। तो ऐसे जो सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं स्टैक में उनके लिए हमारा जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है वो माइनस वन अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस लूप में नेक्स्ट डेटा एलिमेंट प्रिंट करने से पहले हमें चेक करना होगा कि जो हमारा एन जी आई है वो अगर माइनस वन के इक्वल नहीं है
तब हम ये वाला काम करेंगे। अगर वो -1 के इक्वल है तो उस केस में हम उसे एरे को इंडेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स नहीं हम दे सकते एरे में। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ एल्स का यूज़ करके पता चेक कर ले रहे हैं कि जो हमारा एन जी है वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब कि इसके लिए कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में हम सिंपली जो एन जी है वही प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, अभी 25 के लिए 2 प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पे जो हमारा स्टैक में जो एलिमेंट था हमने से पॉप नहीं किया था, तो स्टैक में ही पड़ा हुआ था ये, और इसके लिए कोई गार्बेज वैल्यू उसने पिक कर ली थी। तो इसको अब हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम ठीक रन करता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अब ये ठीक से काम कर रहा है। तो 2 के लिए 5, 5 के लिए 25, 3 के लिए भी 25, और 25 के लिए -1। तो अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये वाली अप्रोच जो हमने पहले अप्रोच देखी थी उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हर एलिमेंट के लिए उसकी अगली पोजीशन से लेकर एंडिंग तक सारे एलिमेंट्स कंपेयर होते। अगर पहला एलिमेंट मिल जाता उस केस में, अगर तो उस केस में हम लूप से ब्रेक कर जाते, लेकिन वर्स्ट केस में इसमें सारे एलिमेंट्स कंपेयर होते। लेकिन स्टैक के केस में ऐसा नहीं है, स्टैक के केस में हमें सारे एलिमेंट्स कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अगला एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करते जा रहे हैं साथ के साथ। अगर वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है तो हम अपडेट करके जो पिछले एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी स्टैक वाली अप्रोच है तो जो थोड़ी एफिशिएंट है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको ये दोनों अप्रोचेस जो बताई वो आपको क्लियर हुई होंगी, और किस तरह हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं वो आप अपने आप ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।